भाई जो पहले पुल गिरे थे उसमें कांग्रेस की क्या गलती थी? एक मिनट भाई, एक मिनट सुनिए। हाँ जी, जो पहले पुल गिरे थे कांग्रेस के राज में, उसमें कांग्रेस की क्या गलती थी? आप ही जवाब दे दे। अच्छा, इसमें गलती नहीं, 27 साल से जो राज कर रहे हैं, जो अभी 3 महीने पहले उसमें 5 करोड़ रुपए दिए हैं उसके रखरखाव के लिए, उसकी रिपेयर के लिए, कहाँ गया वो? तो हमें उससे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम जो आए हैं अपने लिए आए हैं, हमारे जो गुजर बकरवाल हैं भाई, इनके आरक्षण में अगर छेड़छाड़ होगी तो हम इनके साथ खड़े। कौन सा आरक्षण की बात कर रहे हैं आप? हमारे 10% 7.5% का जो आरक्षण है गुजर बकरवालों को, ST का, राज्य उस जम्मू कश्मीर में, उसके आरक्षण के लिए। कुछ दिन पहले आप दादरी में भी आए थे? बिल्कुल आए थे। भर के भी आई थी जी। क्या हुआ था? क्या हुआ था? और अब आप यहाँ भी आगे क्या हो जाएगा भाई? हमारा तो फर्ज है ना अपना मांग करने का। होएगा भी होएगा, क्यों नहीं हुआ था, हुआ क्यों नहीं? अच्छे अच्छे धुरंधर धाराशाही हो गए थे उत्तर प्रदेश में, अच्छे अच्छे धाराशाही हो गए थे। अगर मोदी साहब नहीं माने तो अगला क्या कदम रहेगा आपका? अगला तो भाई हमारे जो बड़े लीडर है, जो अभी निर्णय लेंगे उस पर हम चलेंगे। सड़क जाम करने का या ट्रेन जाम करने का, जो भी वो होगा उस पर हम चलेंगे। गुजरों से मजबूत भाई कोई भी नहीं है हिंदुस्तान में, इसे चाहिए। अमित शाह जी ने तो खुद कहा है जम्मू कश्मीर में बकरवाल गुजर देशभक्त कौम है जी। और फिर क्या दिक्कत है? फिर उनका आरक्षण क्यों छीनने जा रहा है? उनका आरक्षण क्यों छीनने जा रहा है? जबकि ये सच्चाई है कि राजस्थान, उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर जो बकरवाल गुजर मोमडन भाई हैं, इतिहास गवाह आज तक किसी भी कोई भी देश विरोधी गतिविधियों में नहीं है मेरे भाई। आज तक भी कोई हो तो बता दे, ऑन रिकॉर्ड है कोई बता दे। सेना का सहयोग करते हैं। और अगर जो हिंदुस्तान देश बचा हुआ है, हमारे जो बकरवाल हैं सबसे ऊपर ऊंची चोटी पे जाकर पूरी पहाड़ियों पे जो पूरी उसकी रक्षा करते हैं आज भी। हिंदू मुसलमान नहीं है भाई, हम गुजर है पहले। हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है, हम गुजर है पहले। तो ये तो जुमला बीजेपी का है ना, हिंदू मुसलमान का, अब पहले हिंदू बनो। हम कहते हैं हम हिंदू बाद में, पहले हम गुजर है। और हमसे दुनिया सीख के चलती है बीजेपी तो हिंदू राष्ट्र बना रही है। ऐसे ही जैसे आपसे पहले बना है, ये कौन क्या बनाएगा? जैसे पहले बना हुआ हिंदू राष्ट्र तो ऐसे ही रहेगा। ये सम्राट भैया क्या, ये सुनो भाई, सुनो भाई, ये योगी और मोदी और अमित शाह कैसे बना देंगे इसको हिंदू राष्ट्र? ये तो पहले से हिंदू राष्ट्र है, ये कौन बनाने वाले हैं? जब ये, जब पाकिस्तान को हमने अलग कर दिया था, जब ही हम हिंदू राष्ट्र हो गए थे, बताओ हुए थे या नहीं थे? मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए? गए हैं नहीं, जो गुजर है वो पाकिस्तान क्यों नहीं? वो सच्चे राष्ट्र, वो सच्चे राष्ट्र भक्त हैं, देश की रक्षा के लिए रुके हैं हम। मोगले नहीं थे, चले जाते ना पाकिस्तान कब? हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं भाई, उन्होंने तो नहीं कही हिंदुस्तान में कहते हैं भाई। जो बकरवाल गुजर है ना, वो देश प्रेमी है, हिंदुस्तान से प्यार करता है। कोई आज तक भाई सुनिए, कोई मुसलमान नहीं गुजर है मेरे भाई यहाँ, या आपके कोई जितने भी है नेता सुन रहे, कोई एक आदमी बता दे कोई मुसलमान गुजर आज तक आतंकवादी जम्मू कश्मीर में हुआ तो बताओ। एक सवाल ये है कि 370 हटने के बाद जो है जो सरकार रही उसमें की राखी करते हुए क्या बदलाव आया? 370 क्या हुआ? लेकिन बना, सॉरी भाई, सॉरी भाई, आरक्षण की बात हुई थी जब 370 हटाए, उसको हम स्वागत करते हैं, लेकिन 370 इसलिए हटाई गई थी कि वहाँ गुजरों का आरक्षण खत्म कर देंगे, वो तो गलत है। लेकिन कश्मीर में जो पंडित पलायन कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हमने कब कही भाई पलायन करो, गवर्नमेंट का काम है तो उनकी सुरक्षा की जाए भाई, गवर्नमेंट का काम है तो उनकी सुरक्षा की जाए, उनको पुनः स्थापित किया जाए। अरे वो तो वोट मांग रहे हैं कि हम 370 हटा दिए कश्मीर में, सब चंगा सी है। सिर्फ वो वोट मांगने के लिए कर रहे हैं ना, जबकि चाहिए जो कश्मीरी पंडित है उनको दोबारा विस्थापित करें, वहीं पे जो उनकी संपत्ति है वो दी जाए। ये क्यों नहीं करते मोदी जी और वो योगी जी? कश्मीर फाइल्स आई थी, मूवी देखी थी? मैं नहीं देखता, मैं हिंदू मुसलमान पे बात नहीं करता। वो तो सब सारा प्रस्तावित होता है, अभी प्रस्तावित होता है। रामलला, मेरे भाई जी अभी वो कर रहे थे, रामलला जी का मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, बन भी गया है। और आपको एक बात बताऊं, 70,000 करोड़ रुपया से 30 साल पहले रामलला के मंदिर के लिए इकट्ठा हो गया था, जब मैं बहुत छोटा था। हर गांव से एक एक ईंट और एक एक रुपया गया था, किसी को याद हो तो। यहाँ पे तो पैसे की क्या जरूरत पड़ गई वहाँ पे? अच्छा,
क्या जरूरत पड़ेगी? अब ये भव्य मंदिर तो हुआ भाई, तीन बेर बन जाएगा, इतना पैसा पहले ही है, फिर पैसे इकट्ठे क्यों कर रहे हैं? लेकिन वो मैटर दूसरा है। अब ये जो रामलला जी आएंगे ना, तो 2024 के लोकसभा से पहले आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। जब से वो बन के तैयार, हमने कब मना करी है? दिवाली देखा हमने, क्या हमने तो 30 साल पहले 100 रुपए और 10 ईंट तो मैंने दी थी। मैंने जब अपने गांव में रहता था, एक एक ईंट और एक एक रुपया का वादा था, मैंने 10 ईंट 100 रुपए दिए थे 30 साल पहले। लगी कहीं? अब वो तो भाई, ये तो बीजेपी वाले बताएंगे ना, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप? हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी, अब वो काम कर रहे हैं हिंदू सम्राट जो है वो मुखिया गुजर है इस देश का। अच्छा, मोदी जी नहीं है? ना 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 ना, गलत कह रहे हो, मोदी जी नहीं है। ना ना, वो सिर्फ मोदी जी हिंदू सम्राट किस लिए? वोट लेने के लिए। योगी जी नहीं है। हिंदू सम्राट का मतलब क्या? हिंदू का मतलब क्या? हिंदू का मतलब है अपने दिल के अंदर दया, दूसरे आदमी को कष्ट नहीं पहुंचाना, वो हिंदू होता है। दूसरों का कत्लेआम मचाने वाला कभी हिंदू नहीं हो सकता, ये मैं वादा करता हूँ। मैं तो सभी के लिए बोल रहा हूँ, जो हिंदू मुसलमान करते है ना, वो हिंदू दिखावा करते हैं, हिंदू प्रेम, वो हिंदू नहीं हो सकते। दयावान, हिंदू का मतलब है दयावान। अगर हम हिंदू है, मेरे साथ कोई गलत कर रहा, तो चूंकि मैं हिंदू हूँ और जो मेरे हिंदू देवी देवता, वो मेरी रक्षा करते हैं, चूंकि मैं सच्चा हूँ। तो मोदी जी भी तो काम कर रहे हैं सच्चे मन से, वो तो वोट के लिए त्याग और समर्पण की जिंदगी जी रहे। जम्मू कश्मीर में जो हमारे 60 सोल्जर मरे थे, तब हिंदुत्व कहाँ था? उन्होंने पाकिस्तान में घुस के मारा ना। कौन कह रहा मारा? पाकिस्तान में नहीं मारा सर्जिकल स्ट्राइक। मीडिया तो भैया पता नहीं क्या क्या कहती है आज, सारे देश की मीडिया। भाई सुनिए, मीडिया तो पता नहीं क्या क्या कहती है, सुनो। दो आदमी ने हाईजैक कर रखा। मीडिया तो ये भी कहती है कि वो मोरबी में जो वो गिरा था पुल जो गिरा है, वो भाई बता क्या दिखा रही है पूरी मीडिया? अब से 100 साल पहले कर इतिहास दिखा रही है, 27 साल का इतिहास क्यों नहीं दिखा रही उसका? अब इस पे हर साल में, हर तीसरे साल में कितना पैसा दिया है, वो कहाँ गया? मेंटेनेंस का जो पैसा दिया वो कहाँ गया? ये दिखा रहे हैं कांग्रेस जो नहीं है बनाया, वो क्यों दिखा रहे? अगर कांग्रेस की सरकार होती ना, गुजरात में ये पुल गिरता, तो अब तक जितना बीजेपी का हमला सारा वहाँ पहुँच गया होता। मोदी जी घायलों को देखने क्यों नहीं पहुंचे? मरे हुए को देखने? वो तो 3 दिन का उसका कार्यक्रम पहले ही लगा हुआ फिक्स है भाई। कार्यक्रम बड़ा है या आदमी मर रहे हैं वो बड़ा? एक देश का राजा की पब्लिक मरण लगी है वो अच्छे ज्यादा है या अपने प्रोग्राम करने ज्यादा है? अच्छा अच्छा, वोट मांगते देश की कौन सी सेवा होती है भाई? एक तरफ दर्द है, दूसरी तरफ कर्तव्य है। कर्तव्य से बंदे है, पार्टी का कर्तव्य है ना, इंसानियत का कर्तव्य कुछ नहीं है? इंसानियत का कर्तव्य नहीं है पार्टी के लिए वोट मांगना कर्तव्य होता है क्या? अगर आपके घर का कोई ऐसे सदस्य मर जावे, आप पत्रकारिता करेंगे अपने को देखने जाओगे? वापिस जवाब दो इस बात का। अरे सबको पकड़ लिया, मोदी जी आज देखने जा रहे हैं, मोदी जी आज जा रहे हैं, पकड़ लिया है। किसको? जो जिन्होंने पुल बनवाया था, जिन्होंने घपला करा। नहीं, कोई नहीं पकड़ा गया। जो बच्चे वहाँ देखने गए थे ना, उस पे टेक दिया गया सारा। अब इन्होंने हिला के पुल तोड़ा है। 9 लोगों को अरेस्ट किया है कल। मैडम वो कौन है? 9 लोगों को अरेस्ट किया है। गार्ड है, टिकट काउंटर पे जो लोग हैं वो हैं, और बलि का बकरा तो किसी न किसी को बनाई जा रहा है। साजिश है आपकी नजर में? क्या ये है तो हादसा, साजिश तो हो ही नहीं सकती। हम तो नहीं कहते कि बीजेपी ने करा है। ना, मोदी जी आज देखिए, सुनिए, किसी भी प्रदेश में, किसी देश में आपदा आती है तो राजा का फर्ज बनता है आपदा पे जाकर लोगों की खैर खबर ले। कौन भूखा है, कौन प्यासा, कौन मर रहा, कौन जी रहा है? मोदी जी और योगी, ये जितना भी बीजेपी का हमला, ये क्या कर रहे? यही तो राजा आज के टाइम में सर जा रहे हैं। ये नहीं, कब? आज नहीं, दिल्ली से। अच्छा 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 मैडम, अच्छा अच्छा, एक मिनट मैडम। मैडम जी, बुखार तो आज है आप, और आपको 8 दिन पीछे इंजेक्शन लगाने के लिए ले जाएंगे, क्या फायदा उसका? पहले कर्तव्य था, अब अच्छा, देश में कहीं सीमा पे लड़ाई हो रही थी, वहाँ कर्तव्य निभाने गए थे? बताओ कोई कौन सा काम था देश के लिए? वोट मांगते फिर रहे 2 घंटा में अपना चार्टर्ड प्लान मंगा के जाके देखे थे कल भी, आपने देखा नहीं? भावुक? हाँ, भावुक तो मैं भी हो रहा हूँ, मेरा आज एक भावुक मैं बहुत ज्यादा हो रहा हूँ। कुश्ती का मेरा एक खलीफा था, आज वो मर गया, मैं भी बहुत भावुक हो रहा हूँ। भावुक होने से क्या होता है? आपका सुनिए, आपके अभी चोट लग जाए मैं देख देख कर रोता हूँ। भाई सुन तो लो, आपका अभी चोट लग जाए
है और मैं बैठा हुआ भावुक होकर रोता रहा हूँ और आपके उसको चोट को पूछ के उसमें मलम नहीं लगाऊं तो वो काहे का भावुक होना रह गया। मोदी के दिल में, मोदी जी के दिल में देश का दर्द है भाई। गुजरों से ज्यादा इस देश का दर्द किसी के भी दिल में नहीं है। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। अगर ये देश आज सुरक्षित है ना तो इन बकरवाल गुजरों के कारण है। जब पाकिस्तानी वहाँ आ गए थे ना, जो पिछला युद्ध हुआ था, तो इन बकरवाल गुजरों ने आके बताया था कि वहाँ हमारी जमीन पे कब्जा हो रहा है। भावुक हो जाते हैं बहुत ज्यादा, कई भाषणों में हमने देखा। कौन? मोदी जी। जी भावुक हो जाते हैं, कई महिलाओं के लिए हो जाते हैं, महिलाओं के लिए हो जाते हैं। भावुक होंगे तभी तो वोट मिलेगी बाबू। भावुक हो के दिल से, मैं वो दिल से खेल रहे हैं ना, लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं ना। भावुक होके कर रहे, दिल भावनाओं से खेल रहे हैं ना। आप हमारा परिवार हो, आपको विदेश से नहीं आए, हमारे भाई भतीजे रिश्तेदार किसी बिरादरी से हो तो हमारे भाई, आप नहीं मानते मोदी जी को वहाँ जाना चाहिए था? मानते हो नहीं मानते? देखो सुनो, जिंदा कोई नहीं कर देता, लेकिन वहाँ जाके अपनापन तो महसूस होता। हमारा प्रधानमंत्री देखना आया, वो सच्ची देश की रक्षा। परसों कल चुनो 134 आदमी मरे, दो बार ड्रेस बदली। हाँ, एक बात तो बताइए, तीन बार ड्रेस चेंज कर रहे हैं। जो तीन बार ड्रेस चेंज कर रहे हैं उनके दिल में कैसे दर्द है? वो दर्द विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष छोड़ना नहीं, ईडीआर विपक्ष लगा के उनके पीछे। अगर विपक्ष बोल लेगा तो ईडीआर सीबीआई कल जा बैठेगी। अरे चुना तो हमने तुमने ये मोदी जी को? नहीं, हमने तो नहीं चुना भाई। फिर कितने चुना? तो हमने दे, अगर चुना भी है तो इसलिए थोड़ी चुना था, हिंदू मुसलमान करवाने के लिए। हमने तो देश का जो राजा होता है उसकी प्रजा, चाहे वो 9 लाख हो या लायक हो, चमार हो, किसी भी जाति से हो, मैं उसकी नहीं कहता, उसके लिए सब बराबर होते। एक बात और कहना चाहता हूँ भाई, मैं जो बकरवाल गुजरों के आरक्षण पे छेड़छाड़ करी जा रही है, अगर अमित शाह में और मोदी में दम है ना तो SC के आरक्षण में छेड़छाड़ करके दिखा दे, एक बयान दे के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। गुजरों के आरक्षण से छेड़छाड़, लेकिन गुजर समाज तो पहले से ही परिपक्व है ना, पूरा NCR में ना भी आप देखे, गुजर समाज परिपक्व है। आप एक बार जम्मू कश्मीर जाओ, जो बकरवाल गुजर है ना, इनके जाके देखो फिर बताना। राजस्थान में जाके देखो, जो रेवारी बिरादरी है हमारी, वहाँ पे उनके एक टाइम खाने को मिल जाए, दूसरे टाइम है नहीं। सवाल ये है कि आप गुजर समाज पर आरोप लगता है कि बीजेपी समर्थक है और आप जो है पूरे हिंदुस्तान के गुजर की बात कर रहे हैं। भाई यही तो हमारी समस्या है, कोई भी पार्टी हमें अपना मानने के लिए तैयार नहीं है और हम जबरदस्ती जाके पार्टी इनको अपना समर्थन कर रहे हैं, यही तो हमारा दर्द है सबसे बड़ा। बीजेपी आपको हिंदू बना रही है ना, तो हम तो हिंदू नहीं बनना चाहते ना, हम तो गुजर बनना चाहते हैं भाई। चूंकि इस देश में जब भी आपदा आती है ना, कोई समस्या होती है, तो सबसे पहले सब बिरादरी गुजर की तरफ देखती है। क्यों? मार्शल कॉम है, इस देश को हमने बचाया, अंग्रेजों को हमने मार के भगाया, यहाँ से तुगलक आए, तुगलकों को हमने मार के भगाया। हाँ, भगाया, मुगल 800 साल राज कर गया, भगा दिया। तो लास्ट में भगाए किसने भैया? राजा मीर भोज कौन हुए थे? अंग्रेजों ने।